12:57 और बारिश हो रही है। ये रात को शुरू हुई भी अब तक चलती 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 चली जा रही है। इतनी बारिश जून में नहीं हुई। ये क्या है कि मैंने जब जो है एक चैलेंज जब खत्म हुआ मेरा दिया हुआ चैलेंज जून के एंड का, उसके बाद से अचानक लाहौर शहर में बारिश कैसे हो गई? उससे पहले ये बारिश इतनी तादाद में, इतनी कसीर तादाद में, इतनी तेज बंद क्यों हुई हुई थी? बारिश कैसे बंद हुई थी? पानी किसने बंद किया था आसमान से? पानी खोला किसने आसमान से? मानना पड़ेगा तुम लोगों को कि लेजेंड ऑफ अल्लाह बाद मरती हो, जिस खुदा का प्रचार कर रहा है, जिसके नाम की वो बरकत से काम कर रहा है, जिसके बारे में बताता है, वो एग्जिस्ट तो करता है बेटा। ये हो नहीं सकता कि मेरे कह देने से बारिश बंद हो जाए और मेरे कह देने से बारिश शुरू हो जाए। ये हो नहीं सकता कि मेरे सर पे किसी झूठे खुदा का नाम आ जाए, तो इम्पॉसिबल है। एक वीडियो अभी चंद दो तीन दिन पहले की है, तकरीबन एक दो दिन पहले मैंने फेसबुक पे अपनी डाली हुई है, वहां पे मैंने अपलोड की तो एक बंदा आके कहता है एडिट है, मेरे अपने हाथ की इसी तरह की रिकॉर्ड हुई वीडियो आसमान की बनाई हुई, उसको कहता है एडिट है। ऐसे ऐसे जायों से वास्ता पड़ता है जो अपने भेजा तो यूज ही नहीं कर सकते दुनिया के मामला में, एक से बढ़ के फंटर बना कर रहा होता है। और जब इस तरह की बात आती है, सामने एक बंदा कैमरे पे जो दिखा रहा हूँ, ये ना भाई ये क्या परिंदा जा रहा है ना, ये रियल वीडियो नहीं है तो क्या एडिट हो रहा है? तो जाहिरों की तरह ये एडिट है, ये कंप्यूटर की है, ये फरानी है, तो ले आए ना अपने बाबों के हाथ के बनाए हुए, क्यों नहीं लेके आते? वो लेके आ जाए, नहीं ला सकते। मसला ये है कि जब तुम लोग मुकाबला कर नहीं सकते तो कह दे तो एडिट है, तुम्हारे मुंह से कहने से थोड़ी को एडिट होता, एडिट साबित कर दो, फिर जाओ अदालत में चैलेंज करो, फॉरेंसिक कराओ वीडियो की, कि ये एडिट करके अल्लाह का नाम लिखा हुआ दिखा रहा है या ओरिजिनली आसमान पे लिखा हुआ है। बेटा रिकॉर्डिंग मैंने की है ना, मैं कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है मेरी वीडियोस में कहाँ पर कौन सा एडिट है या नहीं है। जो एडिट वाले होते हैं, कट्स वाले होते हैं, शॉर्ट फिल्म होती है उस पर लिखा हुआ होता है, मैंने शॉर्ट फिल्म भी बनाए हैं कुछ, उन पर लिखा हुआ है वो शॉर्ट फिल्म है, वो है अलग चीज, वो है एडिट। और एडिट का मतलब ये होता है, एक वीडियो है, अभी मुझे खांसी आ रही, एक बात करता हूँ, अब मैं इस चीज को काटना चाहूंगा, खांसी ना दिखाऊं तो मैं इस चीज को कट कर दूंगा, तो ये तो ये भी एडिट कहलाएगा, लेकिन ये एडिट का मतलब वो एडिट नहीं होता जिसको लोग समझते ना, वो एक साउंड का इफेक्ट डाल दिया और कोई और चीज दिखा दी और फिर कोई और चीज बता दी, उसको कहते हैं धोखेबाजी। धोखेबाजी में फर्क समझो और एडिट में फर्क समझो, तुम लोगों को तो धोखे का फेक और एडिट में फर्क नहीं पता। एक चीज की एडिटिंग होती है, मैंने एक यहाँ का सीन लिया, एक वहां का सीन लिया, एक कुछ और सीन ले रहा हूँ, फिर एक कुछ और सीन लूँ, फिर उनको मिक्स कर दूँ, एक वीडियो बना दूँ, मुख्तलिफ शॉर्ट्स को, मुख्तलिफ फुटेज को बना के एक क्लिप में बना दूँ, वो भी एडिट कहलाएगा, लेकिन वो फेक नहीं कहलाएगा। बात समझ में आती है। और एक होगा कि मैं ये शॉर्ट लूँ, उसके अंदर भी उसको सॉफ्टवेयर में करूँ, पीछे इफेक्ट लगाऊं, लाइटिंग दिखाऊं, पता नहीं क्या कुछ कर दूं, साउंड एडिट वगैरह सब कुछ कर दूं, वो भी एडिट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं उसमें कोई मिसाल के तौर पर कुत्ते का साउंड लगा दूं पीछे भौंक रहा है, और मैं उस वीडियो से ये लगे कि कुत्ता कहीं पीछे बैकग्राउंड में भौंक रहा है, पता नहीं कहां पर भौंक रहा है, तो वो फेक होगा, क्योंकि इधर को कुत्ते की आवाज नहीं आ रही, और उसमें मैं कुत्ते की आवाज सुना दूं ऑडियो लगा के, तो क्या कहा जाएगा कि ये एडिट है और फेक है? एडिट तो हर वीडियो हो जाता है कहीं ना कहीं, अगर उसको अंदर चेंजेस की जाए थोड़ी सी भी, ठीक है वो एडिट हो जाए, उसको एडिट कहेंगे। तो अभी जो है मैं जो कह रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, ये तो कोई एडिट नहीं हो रहा है, इसमें रियल चल रहा है, रियल है, डुअल कैमरा मेरा, एक वक्त में दो कैमरे ऑन होते हैं, फ्रंट एंड बैक, वो चल रहा है। तो अब तुम क्या करोगे मुझे बताओ, क्या करोगे? अबे भाई अकल को थोड़ा कॉमन सेंस को यूज किया करो ना, तुम्हें ब्रेन यूज करना नहीं आता, मैं तुम आगे मुझसे बहस करता हूं। मैं तो बारिश की बात कर रहा हूँ सीधी सीधी, कि बारिशों का जो बादशाह है, बारिशों का बादशाह आखिर वो ये कैसे कर रहा है? मरा जिसका हवाओं पे कंट्रोल है, हवा पे कंट्रोल है, बादलों पे कंट्रोल है, बारिश पे कंट्रोल है, वो अल्लाह वाहिदुल कहार है, वो अपनी कुदरत का इजहार करके दिखा रहा है शर्मा, वो दिखा रहा है कि देखो मेरे इस बंदे ने जून के अंदर जो दावे किए, चैलेंज किए, उसके कहने पर वैसे ही होता चला गया, और देखो कि जब मैंने अपना नाम इसके सर पे लाके जाहिर किया, उसके बाद मैंने बारिश बरसा के दिखाई, फिर मैंने पानी रोक के दिखाया, जब ये छत पे आया तो मैंने आधी तूफान चला के दिखा दिया, जब ये छत से चला गया तो मैंने बंद कर दिया, जब ये छत पे आया मैंने लाहौर शहर में पानी खोल दिया, जब ये छत से चला गया मैंने लाहौर शहर से पानी बंद कर दिया। जून 2024 के अंदर तो अल्लाह ने ऐसी ऐसी डेमोस्ट्रेशन किए कि मेरे होश उड़ गए थे, मैं भी परेशान हो गया था कि ये अल्लाह कर क्या रहा है, ठीक है मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उस टाइम पे उसने कुछ और किया, ऐसे ऐसे सीन, एक वक्त में तो आसमान ऐसा विदिन अ मिनट कहेंगे, सेकंड्स की बात थी, बस सेकंड्स, पूरा आसमान वहां से शुरू हुआ था, काले बादल का टुकड़ा धड़ 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 करता, पूरा आसमान ढक दिया उसने जाके, मुझे ऐसा लगा इसमें फिल्म देख रहा हूँ, फिल्म में नहीं होता, सीधे एकदम से साया आके पूरे शहर को ढक दे, मैंने अपनी आंखों से वो सीन देखा। ये आई थिंक ये 5 जून 2024 की बात है, 5 जून शाम के टाइम में आया हुआ था छत पर, और अचानक से मौसम पलटता 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 गया, और उस दिन में मैं कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन बताया कि अल्लाह ने वो बात मेरी उस तरह होने नहीं दी, अल्लाह कुछ दिखाना चाह रहा था, तो उसने अपनी एक मेडिकल डेमोस्ट्रेशन दिखाई। तो भाई तुम लोगों के जब अगर राम कृष्ण विष्णु खुदा खुद ये खुदा होते हैं, बनाए हुए होते हैं, इन लोगों ने कुछ कायनात में कोई इख्तियार होते हैं, अल्लाह के साथ पार्टनरशिप भी होती ना, यार अपना कंट्रोल छीनते हैं, अपना कंट्रोल दिखाते हैं, ये तरह आज तक तब्दील नहीं कर सकी अपने नाम में, इन पत्तों पर भी अल्लाह ने अपना नाम लिख के दिखाया था, मैं सारे फुटेज डाल चुका हूं, मैंने तो जो जो बातें कही और अल्लाह ने जो कबूल कर ली उसने पूरी की है। मैंने कहा था एक दफा कि अगर अल्लाह चाहे उसमें भी अपना नाम या मोहम्मद नाम लिख के दिखा सकता है, इन पत्तों को निकाल के अल्लाह ने इन पर अपना नाम लिख के दिखा दिया, ये तो टूटी भी खत्म हो जाती है, फिर उगा देता है, अल्लाह उगा रहा है इनको, अंदर से कौन उगाता है? ये मिट्टी जिस जगह से उग रहे हैं उधर से उगा कर इनको बाहर निकाल के पत्ते बनाने वाला अल्लाह है, वो दरख्त जमीन से निकाल के आसमान ये ऊपर उगा के खड़ा कर देने वाला अल्लाह है, ये परिंदे जो हवा उड़ता है यार इनको बनाने वाला अल्लाह है, तुम कैसे कहते हो तो किसी और की पूजा करो, तुम कैसे कहते हो कोई और मतलब सच्चा है? इस्लाम की दुश्मनी करने से इस्लाम खत्म नहीं हो सकता, ये मेरी दिमाग में बात बिठा लो, ठीक है ये तफा तो कर ही चला, लाहौर शहर में एकदम बारिश खुल गई है जुलाई के महीने का शुरू होते हैं, कैसे खुल गई है दुनिया के अंदर? तुम मेरा मुकाबला कर लो, बात खत्म करो, तुम तो यही कहते हो अल्लाह तो सामने है नहीं, अल्लाह तो अल्लाह को ला के दिखाओ, अल्लाह को छोड़ो, ठीक है अब मेरे साथ सीधे सीधे हैंड टू हैंड बात करते, फेस टू फेस बात करो, आओ अल्लाह तो सामने आएगा नहीं, अभी उसने तो क्या दिन सेट किया, वो दिन बताएगा मोहरत देकर रखी है, वो नहीं आएगा सामने, मैं आया हूं ना, मैं मुकाबले करूँ तो मेरा मुकाबला करो, चलो तुम भी अपने राम कृष्ण जिस तुम जिसकी पूजा करते हो उसको अपनी मदद पर बुला लो, जाओ ओपन चैलेंज है मेरा, मैं पूरी दुनिया के काफिर ओपन चैलेंज देकर बैठा हुआ, पूरी दुनिया के काफिर इसमें सब आते हैं, गैर मुस्लिम है ना, गैर मुस्लिमों में सारे आते हैं, जिनके जिनको मैं जिनको कहता हूँ ना कि इनके मतलब झूठे वो सब आते हैं, कादियानी शिया ईसाई यहूदी हिंदू पारसी सिख वगैरह एथिस वगैरह ये सब इसमें आते हैं, और मैं और कहता हूँ और आगे बढ़ो, मेडिकल डॉक्टर साइंटिस्ट रूहानी पेशवा जादुई पेशवा मदवी पेशवा सब के सब जो गैर मुस्लिमों के वो भी इसमें आ जाए,
और मुसलमानों से भी वो जो जितने भी मेरे खिलाफ बनते ना कि वो कहते हैं कि ये कोई निशानियां नहीं होती, ये कोई सबूत नहीं, अल्लाह का नाम आना और ये सब कुछ आना, तो वो भी मेरे खिलाफ आने के लिए आ सकते हैं, तो आ जाए वो भी आ जाए, वो अल्लाह को मदद के लिए बुला रहे हैं। चलो अब अल्लाह तो असली खुदा है ना, तो फिर अल्लाह उनकी मदद करे मेरे खिलाफ। मैं कह रहा हूँ वो भी मेरे मुकाबले नहीं आ सकते, और इससे बड़ी बात क्या बोलूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ कि अल्लाह ही अपने नाम लिख के दिखाता है मुझे, अल्लाह ही अपने दस्तखत करता है, अल्लाह अपनी निशानी दिखाता है, इसलिए मेरा मुकाबला कर नहीं सकता कोई मुसलमान भी नहीं कर सकता और मुस्लिम भी नहीं कर सकता। मैं हमेशा के लिए नाकाबले शिकस्त हूँ, डंकी की चोट पे ऐसे नहीं बोलता, आई एम द इनविंसिबल मुस्लिम मैन ऑफ द 21st सेंचुरी, गेम ओवर। तो दुनिया के इंसानों के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो कलमा पढ़ के इस्लाम में है बस, और अगर नहीं आते तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है इस बात पे, मैं कोई डंडा लेके इस्लाम थोड़ी कबूल करवाने आया, मैं तो सच्चाई दिखा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई के वाले से जो रिकॉर्डिंग हो सकती है वो बना रहा हूँ। अब अगर कोई इस वजह से मेरा दुश्मन बन जाए तो वो ये सोचेगा वो अपनी बर्बादी के लिए कैसा सामान बना रहा है, कि मेरी दुश्मनी करेगा उसे मिलेगा क्या है? बात करने का तो सबके पास है ना कंट्रोल, लिखते हैं तुम्हारे पास है, तुम भी वीडियो बना लो, तुम्हें किसने रोका? आओ मेरे खिलाफ वीडियो बनाओ, मेरे खिलाफ चैनल खड़े करो, क्यों नहीं कर रहे? इतने बड़े बड़े फन्ने खानों के खिलाफ वीडियो बनाते हो, रोस्टिंग करते हो, तो मेरे खिलाफ होना रोस्टिंग करते हैं, देखे तो सही तरह हम तुम्हारे बातों में कितना दम है और तुम्हारे उन मसले खुदाओं में कितना दम है कि वो मेरे खिलाफ तुम्हारी मदद कर सके। अब वो मेरे मुझे नहीं रोक सकते तो तुम्हें क्या मदद करेंगे? मुझे तो आज तक नहीं रोक सके तुम्हारे झूठे खुदा, इतनी भी उनकी ताकत नहीं कि मुझे बीमार कर सके। अल्लाह अकबर, वल्लाहि वाहिदुल कहार। रूहानी मशीन बनाने का तरीका भी मैंने बताया कि लाइलाज मरीज कैसे ठीक कर सकते हो, जाओ वही देख लेना, कम से कम सोचोगे कि ये क्या हो गया है, किस शरीर में। अब कोई दुनिया के सारे इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ पे छत है ना, तमाम लोग जिस तरह सोलर सिस्टम लगाने के लिए लगे ना, वो तो बड़ा महंगा मिलता है। अब घर घर छतों के ऊपर जो है ना रूहानी मशीनें लगी हुई होंगी, अगर लोग अमल कर लें उस वीडियो के ऊपर, और अपने ही हर घर के अंदर लोग लाइलाज मरीज ठीक करना शुरू कर सकते हैं। आगे समझ में, इतनी तेजी से हीलिंग होगी दुनिया भर के अंदर अल्लाह के हुक्म से, किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि शिफा तो अल्लाह देगा, जिसको जितनी चाहेगा उतनी देगा। अब ये इख्तियार किसी का नहीं कि अपनी मर्जी से मरीज ठीक कर लेगा कि जितना इतना इतना, वो तो फैसला अल्लाह का है, वो अल्लाह फैसला करेगा किसको कितनी हीलिंग देनी है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ना जुलम करते हैं, किसी का हक मार दिया, किसी को जान से मार दिया, किसी को कुछ, अल्लाह उनको सदा में भी गिरफ्तार करता है।